नील वाइटिंग मैच हो रहा है भाई अभी। मैच तो वैसे तगड़ा हो रहा है। बोलेंगे भाई, ये भाग रहे भाई, ये रन ले जा रहे हैं भाई। इसमें बोल्ड हो रहा है भगवान। तेरा उंगलियों में नाखून नहीं बचे साला। ये अलग ही कमेंट्री करता है भाई। बहुत जोर की लगती है उंगलियों में। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में। एंड आज मतलब आईपीएल में क्या ही मैच हुए। लाइक आज संडे है एंड पहला मैच तो सीएसके वर्सेस आरसीबी था, उसमें तो जडेजा भाई ने तो आग ही लगा दी। लाइक उस वाले मैच में क्या ही खेला उसने। जडेजा ओपी ही चल रहा था पूरे मैच में। सिर्फ जडेजा ही कर रहा था, बॉलिंग में वही कर रहा था, बैटिंग में वही कर रहा था, फील्डिंग में वही कर रहा था। एंड जो दूसरा वाला मैच था वो तो सुपर ओवर तक चला गया था, डीसी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। सुपर ओवर में चलो ठीक है, लेकिन जो दोनों मैच हुए आज के, पहला वाला तो चलो वन साइडेड था, पर सीएसके का तो मेरे को तो अच्छा लगना था। दूसरा वाला जो सुपर ओवर तक गया वो काफी एक्साइटिंग था एंड काफी मजा आया। लिटरली दोनों मैचेस काफी सही थे। गाइस एक और वीडियो अपलोड पे डाल दी, अपलोड हो चुकी है। आप लोग ये वाला व्लॉग मंडे को देखोगे। ये वाला व्लॉग मैं मंडे को पब्लिक करूंगा। सो हाँ, तो मंडे को आप ये वाला व्लॉग देखोगे। एंड मतलब काम एकदम चालू है, कोशिश चलते रहेगी। देखते हैं कितनी देर तक मैं ये कर सकता हूँ, कितने दिनों तक मैं ये कर सकता हूँ रेगुलर व्लॉग्स वाला सीन, पर कोशिश जारी है। कल फिर से सर के साथ बैडमिंटन खेलने का प्लान बनाया है। एक बार टाइम पे उठ जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार नाक नहीं कटनी चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम कॉल भी नहीं उठा पाया था सर का, तो काफ़ी बुरा लग रहा था। इस बार कोशिश करेंगे टाइम पे उठेंगे। सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड आई एम इन द बैडमिंटन नाउ। फाइनली आज टाइम से जग गया एंड जल्दी से चेंज कर लेते हैं एंड थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं बिफोर द गेम। सो गाइज बैडमिंटन का मैच काफ़ी तगड़ा था, लाइक काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड काफ़ी दिनों के बाद खेल रहा था तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं शायद उनको पता भी होगा कि आई यूज़ टू प्ले बैडमिंटन पहले। मेरे को इतना ज़्यादा जोश आ गया था खेलने का कि फिर मैंने कोचिंग लेना भी स्टार्ट कर दिया था। एंड फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से पिछले साल, एंड देन फिर वो रिदम पूरा ब्रेक हो गया, तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी बैडमिंटन की। तो आज काफ़ी दिनों के बाद खेल के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड आई विल ट्राई कि मैं इसमें रेगुलर रहूँ एंड मैं रेगुलर खेलता रहूँ। अब आगे का प्लान ये है कि आई विल हैव समथिंग खाने को एंड उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं सोएंगे थोड़ा, उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेशन जगाएंगे पढ़ने की एंड उसके बाद फिर जिम जाएंगे। आज मंडे है तो मंडे को हम स्टार्ट करेंगे विद पावर लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग में आज हम पीआर हिट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कैसा जाता है। मीट यू गाइस इन द जिम। गाइस आज हम स्क्वाट्स को थोड़े लाइक अलग स्टाइल से करेंगे। व्हाट विल डू इज़ कि पहले हम 2 मिनट साइकिलिंग करेंगे, ठीक है, एंड देन फिर हम 20 रेप्स मारेंगे। ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे स्क्वाट्स में, पहले 2 मिनट साइकिलिंग एंड देन हल्के से वेट पे 20 स्क्वाट्स मारेंगे एंड इसके हम ऐसे 4 सेट्स करेंगे। I'm ready
to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock. We're attempting 100 kg bench press. Like, this is the first time कि मैं 100 kg bench press try करने वाला हूँ. Let's see कैसा जाता है. I hope अच्छा जाए. Let's see क्या speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like, drop it off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like, who's lost? Like मैंने चार रैप निकाले, चौथा वाला वो लाइक थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा. बाकी तीन वाले सही दे रहे, तीन वालों में मेरे को सही लाइक मैं फर्स्ट सही दे रहा था. चौथे वाले में मेरे को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. नाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट 105 kg. लेट्स सी. Guys, 105 kg was not good. बेकार था काफ़ी. लाइक इतना थर्स नहीं लग पाया मेरे से. नेक्स्ट बार में ट्राई करेंगे 105. Let's see प्रोग्रेस कितनी होती है. अब लास्ट सेट है बेंच प्रेस का. सो आई एम एंडिंग फिनिशिंग इट ऑफ विथ ड्रॉप सेट. Been hunting more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like, drop it off of that rooftop. Hold my camera when I do not. Make moves based on my mood drops. Like, who's lost? Like, who's lost? It's your fault. Standing and killing me, riding my brain full of shame. I don't wanna lose any. आज का जिम सेशन बहुत ही अच्छा था. लाइक पहले क्या होता था कि मैं 140 केजी डेडलिफ्ट नहीं उठा पाता था, एंड आज जब मैंने 170 केजी उठाया तो वो प्रोग्रेस देख के काफ़ी सेटिस्फाइंग सा लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ी प्रोग्रेस सी हो रही है. दैट इज समथिंग विच कीप्स मी गोइंग एंड थोड़ा मोटिवेशन सा देती है, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है. सो गाइज, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस ब्लॉग हेयर. एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज गिव अ थम्स अप. लाइक कर देना, शेयर कर देना. कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड हमेशा हासिल करते रहो लाइफ में. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय.